चलो, कहता है फोटोसेंसेटिव मेटालिक सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन एच न्यू। एक हम लोग के पास फोटोसेंसेटिव मेटालिक सरफेस है, चलो ये हमारा फेवरेट सरफेस है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ हमेशा, और इस पे हमने एनर्जी डाल दिया एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द ए फोटो सेंसिटिव वर्क फंक्शन। ये इसका वर्क फंक्शन है, सॉरी ये वर्क फंक्शन है, एनर्जी नहीं डाले हमने। एनर्जी हमने इस पे डाल दिया 2h𝛎0 का, पहली बार जो एनर्जी E1 इस पे डाला वो 2h𝛎0 का डाल दिया। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी पहले केस में मैक्सिमम वेलोसिटी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी 4×10^6 है प्यारे बच्चों। वेन द लाइट, अब एनर्जी दूसरे केस में हमने जो एनर्जी बढ़ा दिया है उस एनर्जी की जो वैल्यू है वो 5h𝛎0 है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? दो केस है, पहले केस में आपने एनर्जी इतना डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसकी वेलोसिटी हम लोगों को पता है। दूसरे केस में हमने एनर्जी बढ़ा दिया 5h𝛎0 किया, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी हमें कैलकुलेट करनी है, और वर्क फंक्शन दिया हुआ है h𝛎0। तो ऑब्वियसली चलो इसको ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आइंस्टाइन का एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। एनर्जी इंसिडेंट जो है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज होता है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस ए लॉ है। तो पहली बार लगाते हैं, पहली बार हमने कितनी एनर्जी डाला तो 2h𝛎0 डाल दिया, प्लस ये वर्क फंक्शन h𝛎0 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v1 स्क्वायर, v1 मैक्सिमम वेलोसिटी है जो दिया हुआ था। तो ये आ जाएगा h𝛎0 पहले केस में, और दैट इज 1/2 m v1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। ठीक है चलो, अब यही इक्वेशन आइंस्टाइन का प्यारे बच्चों, ये वाला जो इक्वेशन है आइंस्टाइन का, ये हम दोबारा लगाते हैं। तो अगर मैं दोबारा लगाऊं तो यहां से आ जाएगा एनर्जी कितना आया 5h𝛎0, और वर्क फंक्शन h𝛎0 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो ये मुझे मिलेगा 4h𝛎0 और 1/2 m v2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, फर्स्ट से सेकंड में डिवाइड कर दो। तो चलो, अगर फर्स्ट से सेकंड में अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलने वाला वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो 1/4, और यह आ जाएगा v1/v2 का स्क्वायर अंडर रूट। मतलब v1/v2 की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 1/2 आ जाएगी, मतलब सेकेंड केस में वेलोसिटी पहले वाले की डबल हो जाएगी। और पहले वाले में कितना दिया था यार, 2 × 4 × 6, मतलब ये आ जाएगा 8×10^6। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो इतना मीटर पर सेकेंड, 8×10^6 ही ना, हाँ 8×10^6, मतलब ये हम लोग का सी ऑप्शन सही है।